हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन ड्रीम ब्यूटी चैनल। आज मैं आपको बालों से जुड़ी समस्या के बारे में बताने वाली हूँ। ये एक कॉमन प्रॉब्लम है और आज के समय में हर कोई अपनी बालों से जुड़ी समस्या से बहुत ज्यादा जूझ रहा है और बहुत ही ज्यादा परेशान है। कई बार लोग महंगे महंगे ट्रीटमेंट लेते हैं जिसका कोई भी फायदा नहीं होता। पार्लर में लंबी लंबी लाइनें लगते हैं और बहुत ज्यादा जब पार्लर वाले देखते हैं बहुत ज्यादा भीड़ है, बहुत ज्यादा इसका रिजल्ट उन्हें आउटपुट मिल रहा है, तो उसका रेंज भी बढ़ा देते हैं। तो इन सारी प्रॉब्लम से हमें जूझना पड़ता है। एक तो हमारी अपनी प्रॉब्लम हेयर की, उसके अलावा हम इन चीजों से भी बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं। तो आज मैं आपको एक नेचुरल ट्रीटमेंट बता रही हूँ। इसे अप्लाई करने से आपके बालों का झड़ना तो बंद होगा ही, साथ ही अगर आपके बाल बहुत ज्यादा ड्राई हैं तो उनमें सॉफ्टनेस आ जाएगी, बाल बहुत ही सिल्की सॉफ्ट हो जाएंगे। तो चलिए इस वीडियो को देख लेते हैं। पर हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज रेड बटन को क्लिक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी क्लिक कर लें ताकि और भी अच्छे अच्छे वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक आ सके और आप मेरे सारे वीडियोस देख सकें। तो सबसे पहले जो इंग्रेडिएंट्स हैं मैं आपको बता देती हूँ कि कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स। तो सबसे पहले आपको नेचुरल एलोवेरा जेल 1 चम्मच ले लेना है। नेचुरल एलोवेरा जेल आपके हेयर के लिए काफी ज्यादा इफेक्टिव होता है। अगर आपके बालों में बहुत ज्यादा ड्राइनेस है तो उसे दूर करता है, बालों को मोटाई को बढ़ाता है, साथ ही साथ बालों को स्ट्रॉन्ग बनाता है, झड़ने से भी रोकता है। तो आपको इसी तरीके से ओरिजिनल प्लांट लेके उसका एलोवेरा जेल आपको इसी तरीके से निकाल लेना है। उसके बाद आपको जो इसमें ऐड करना है वो है फ्रेंड्स बायो एडवांस हेयर ऑयल, जिसमें भृंगराज एंड ऑलिव ऑयल है जो आपके बालों की ग्रोथ दुगनी तेजी से बढ़ाता है। ऑलिव ऑयल आपके बालों को स्ट्रॉन्ग बनाता है, आपके बालों की खूबसूरती बढ़ाता है। तो मैं इसमें 2 चम्मच ऑयल ऐड कर रही हूं, आप इसे अपने हेयर के अकॉर्डिंग लें। भृंगराज एंड ऑलिव जो आपके बालों की स्ट्रांगनेस को तो बढ़ाता है, साथ ही आपके बालों की मजबूती भी बनाए रखता है, जिससे आपके बाल झड़ रहे हैं तो रुक जाते हैं, बाल बहुत ही खूबसूरत और सिल्की शाइनी हो जाते हैं। अब इन दोनों चीजों को आप अच्छे से मिक्स कर दें। तो आप देख रहे हैं ये कुछ इस तरीके से रेडी हो गया है बन के ऑयल। तो ये बहुत ही इजीली आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे अब इसे अप्लाई करने का तरीका बताती हूँ कि आप इसे अप्लाई कैसे करेंगे। तो सबसे पहले इसे अप्लाई करना है, आप हेयर जो आपके हैं उन्हें पहले क्लीन कर लीजिए, यानी वॉश कर लीजिए, उसके बाद इस ऑयल को अप्लाई करिए। इसे अप्लाई करना बेहद आसान है। आप अपने बालों में पहले मोटी कंघी लीजिए ताकि आपके बाल अगर उलझे तो उन्हें सुलझा लीजिए अच्छे से मोटी कंघी के साथ। उसके बाद आपको अपने बालों के 3 सेक्शन करने हैं, आगे के बाल अलग, बैक के अलग, इस तरीके से सेक्शन में बांट लीजिए। उसके बाद आप अपने पूरे बालों में इसे लगाइए, हेयर पे लगाइए, स्कल्प पे लगाइए और अच्छे से मसाज करिए। करीब 15 से 20 मिनट के लिए मसाज करनी है, 15 से 20 मिनट के लिए। उसके बाद ओवरनाइट आप अपने बालों को जरूर छोड़ें और मॉर्निंग में उठ के ही आपको अपने मायने शैम्पू से वॉश करना है जो आपके बालों को सूट करता हो। ऐसा आप वीक में 3 टाइम करिए, इससे आपके बाल झड़ने से रुक जाएंगे, बाल बहुत ही जल्दी सिल्की सॉफ्ट शाइनी हो जाएंगे, क्योंकि भृंगराज और एलोवेरा ये दोनों आपके बालों में भरपूर मात्रा में पोषण देते हैं, जिसकी वजह से आपके बाल मोटे हो जाते हैं और बाल झड़ने रुक जाते हैं। तो फ्रेंड्स ये मेरा आज का वीडियो, आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा। तो इसे लाइक कर दीजिए, व्हाट्सएप एंड फेसबुक पे अपनी फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए। मैं मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेमेडी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।